हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे बुकरम ले ली है। अपने नेक के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जैसे कि हमें नेक डिज़ाइन विड्थ में चाहिए 3.5 इंच और जो लेंथ में चाहिए हमें 5.5 इंच। तो हम ये मार्किंग करते हुए यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी राउंड शेप आ चुकी है नेक की। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ाई पे नेक को रख के मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो 2 इंच पे भी काट सकते हैं, आपको जितना नेक चौड़ाई में चाहिए वो ले सकते हैं। बिकॉज हमने यहाँ पे नेक पे डिज़ाइन ड्रॉ करना है, हम 1.5 ले रहे हैं। तो ये मार्किंग करते हुए यहाँ पे हम सेम राउंड शेप दे देंगे। और कटिंग करने से पहले हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे पिनअप कर लेंगे, ताकि जो हम जब कटिंग करेंगे बुकरम आगे पीछे ना हो। तो इसको यहाँ से पिन करते हुए तो हम इसको सिक्योर कर लेंगे कि अपनी ये प्लेस पे सेट रहे नेक और कटिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग होगी, अब हम एक पिन यहाँ पे लगा लेंगे नेक के सेंटर में। अब हम फिर से कटिंग करेंगे निचली साइड। आप चाहे तो रेडीमेड नेक भी यूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। आप चाहे तो बुकरम से भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमने ये स्काई ब्लू कलर का फैब्रिक ले लिया है। हमारी शर्ट जो है वो पिंक कलर की है। हम यहाँ पे कंट्रास्ट में नेक बनाएंगे। तो कंट्रास्ट मैचिंग की है नेक के लिए, ये हम जो नेक है एक फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। ये इसकी उल्टी साइड है फैब्रिक की, सीधी साइड पिछली साइड है। तो इस पर ये हमने ड्रॉ कर लिया है आयरन की हेल्प से। अब साइड से कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को। हमें सेम एक और फैब्रिक चाहिए नेक के नीचे लगाने के लिए, तो वो भी हम यहाँ से ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इसकी जो सीधी साइड है नेक की, जैसे कि हमें यहाँ पे बुकरम विजिबल नहीं हो रही, तो विजिबल कराने के लिए हम यहाँ पे मार्किंग लगा लेते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे नेक जो है वो हो उसकी लाइन क्या है। तो ये चौक की हेल्प से हम ऐसे नेक ड्रॉ कर रहे हैं बुकरम के साइड से। ये देखिए, ये यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये इसकी सीधी साइड है नेक की। आप यहाँ पे चौक का यूज कीजिएगा, ताकि ये फिर मिटने पे मिट भी सके, बिकॉज ये नेक की सीधी साइड है। अब हम इसका सेंटर ले लेते हैं। सेंटर पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे जितनी भी आपको विड्थ पे इसकी मार्किंग करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। तो आप भी जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी दूर आप डिज़ाइन डालना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हो। और दूसरी साइड भी हम सेम वे से मार्किंग कर लेंगे। अब हमने ये गोटा पत्ती ली है
मुझे नहीं पता इसको क्या गोटा बोलते हैं या गोटा पत्ती बोलते हैं, और ये मार्केट में बहुत ही चीप रेट पे अवेलेबल होती है, बहुत ही, और डिज़ाइन भी इससे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो हम ये यहाँ पे हमने मार्किंग की है, सबसे पहले सेंटर में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से ऐसे इसको क्रॉस करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम वे से क्रॉस करेंगे और सेम ऐसे ऊपर नीचे ड्रॉ करते रहेंगे, तो ऐसे हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। तो इससे आप बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो एक गोटा पत्ती से अपने अकॉर्डिंग। और एक जरूरी बात है कि आप जो गोटा पत्ती है उसको उस पर मैचिंग रील ही लगाएं ताकि वो इस पर विजिबल ना हो। तो जैसे ये येलो है तो गोल्डन है तो मैंने येलो लगाई है, वैसे ही यहाँ ये सिल्वर कलर में भी अवेलेबल होती है वहाँ पे, वो आप वैसा कलर यूज़ कीजिए। हमारा ये नेक कह रहे हो, इस पे डिज़ाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको फिनिशिंग दे देंगे, जो एक्स्ट्रा गोटा पत्ती दिख रही है उसको कटिंग कर लेंगे उसकी। अब हमने जो पहले फैब्रिक इसके नीचे रखा था वैसे ही सीधा फैब्रिक इसके नीचे रखा है, सीधे फैब्रिक पे उल्टे नेक को रखे हैं, सेंटर पे दोनों सीधी साइड्स आ गई हैं तो उसे ऐसे अटैच कर रहे हैं। दोनों फैब्रिक को आपस में अटैच कर रहे हैं। आपको ये लाइन है, ये सिलाई है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है। सिलाई जो है आपकी फैब्रिक पे आनी चाहिए, जितनी अच्छी आपकी सिलाई आएगी ये उतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ नेक आएगा ये। और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे छोटी छोटी नोचेस लगा देंगे ताकि जो हमारा नेक को उल्टाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से ये उल्ट जाए, ये नेक आसानी से उल्ट गया। इसको सेट करने के लिए आयरन कर लेंगे यहाँ पे। आयरन करने के बाद हम यहाँ पे थोड़े थोड़े नेक की कटिंग कर लेंगे बैक साइड से ताकि जो फैब्रिक है जो टैटरम बुकरम है वो विजिबल रहे, बिकॉज पिछली साइड से हमने सिलाई लगानी है। अब ये पिंक कलर का शर्ट का पीस है, इस पे हम स्काई ब्लू कलर के नेक कंट्रास्ट मैचिंग कर रहे हैं। तो अब ये रोंग साइड है और ये नेक की रॉन्ग साइड है। सबसे पहले हम सेंटर लेंगे इसका, सेंटर पे हम यहाँ पे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे राउंड शेप में। उससे पहले आप एक सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि जो आपका नेक है वो शर्ट से बिल्कुल इधर उधर हिले ना, और जो सिलाई है वो स्मूथली बहुत अच्छी वे से हो जाए। अब हम सेम वे से यहाँ पे राउंड शेप में कटिंग करेंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। हमने तभी यहाँ से फैब्रिक को कटिंग किया था ताकि हमें ये जो बुकरम है वो विजिबल रहे और उसके अकॉर्डिंग हम सिलाई और कटिंग कर सकें। अब हम यहाँ पे नोचेस लगाएंगे
ताकि हमें नेक उल्टाने में कोई प्रॉब्लम ना आए और नेक बड़ी स्मूथली से उठ जाए। तो ये नेक हमने उल्टा लिया है और नेक उल्टाते उल्टाते यहाँ पे टॉप पे इसको स्टिच देंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे ताकि जो नेक है वो बैठ जाए। तो ऐसे राउंड देते हुए सिलाई लगा देनी है। अब निचली साइड हम ये मोती वाली लेस का यूज़ करेंगे, सिर्फ मोती मोती हमें दिखाने हैं। और ये हम स्टिच करने के लिए हमारी दूसरी मशीन पे आ चुके हैं यहाँ, बिकॉज यहाँ पे पहले से दूसरा बूट लगा था एक पैर वाला, तो इससे जो सिलाई है बहुत अच्छी आएगी और बिल्कुल जो पर्ल है उसके साथ साथ आएगी। दूसरे बूट में हो जाता है कि थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है। तो ऐसे सिलाई करते करते हम नेक की जो फाइनल सिलाई है वो करेंगे, इसके बाद हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए नेक हमारा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस नेक के साथ आप सेम डिज़ाइन बॉर्डर पे भी डाल सकते हो, शर्ट की बाजू के मोहरी और प्लाजो की मोहरी पे डाल सकते हो, सलवार पे डाल सकते हो, या फिर आप एक प्लेन सूट लीजिएगा उसके दुपट्टे पे ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो प्लेन सूट के साथ दुपट्टा हैवी होने से आपके सूट की लुक बहुत अच्छी आ जाएगी। तो ये डिफरेंट तरह से आप ये डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई सजेशन है तो वो भी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।